आप देख रहे हैं एनबीएससी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका। आखिर लॉकडाउन और धारा 144 लगे होने के बावजूद कैसे हुई इतनी बड़ी बर्बर कार्रवाई? इन सासे समाज के घुमंतुओं को खुले आसमान के नीचे किसने खड़ा कर दिया? यहां इंसानियत कर रहा रही थी, बच्चे और औरतें चीख पुकार मचा रहे थे, इनके शरीर पर थे बेशर्म प्रशासन की हर धर्मिता एवं बर्बर कार्रवाई के सबूत। कोई भी विधायक या मंत्री यहां तक नहीं पहुंचा। घटना स्थल पर केवल मेयर सौम्या गुर्जर ने रात को टेंट गद्दे पहुंचाकर अपनी जेब मिटाई। अगर यही मामला किसी वार्ड विशेष में होता तो सरकार के ही विधायक खड़ा कर देते अपनी सरकार को कटघरे में। कौन सुनेगा, किसको सुनाए ये लाचार सांसे समाज के घुमंतु अपनी पीड़ा। शरीर पर जख्मों के निशान, टूटी हड्डियां, बदन पर बहकर सूखे खून की पपड़ियां, बदन पर है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के सबूत जो कि लिपटी हुई है डॉक्टरी इलाज के बाद बंदी सफेद पट्टियों में। आखिर क्या था इनका कसूर? क्या ये कोई आतंकवादी थे या कोई बड़े बदमाश जो इन्हें घेर कर लाठियों से मारा गया? इन महिलाओं और बच्चों के शरीर पर लगे घाव को देखिए, क्या यही है स्वेदनशील सरकार? कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर निगम के सीईओ की निरकुशता और राजनीतिक संरक्षण को पालते हुए पुलिस बल द्वारा मासूम बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाकर ये घाव दिए गए हैं। आखिर इस लॉकडाउन में धारा 144 लगी होने के बावजूद इतने बड़े लवाजमे और भारी पुलिस बल के साथ कौन से जंग जीतने चले थे निगम कर्मी? मुख्यमंत्री के अपील और आदेशों को हवा में उड़ाकर ये आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? लॉकडाउन के चलते हुए बेरोजगार और भूख से पीड़ित इन सांसे समाज के घुमंतु जाति के लोगों का दर्द तो आपने देख और सुनकर महसूस किया ही होगा, लेकिन अब सरकारी कारिंदों ने इनकी झोपड़ियां उजाड़ कर रोड पर भी ला दिया है। अभी अपने आंसू पोंछे या घाव सहलाए, इनकी पीड़ा को ना तो कांग्रेस की गहलोत सरकार समझ रही, ना ही बीजेपी के मेयर, साथ ही स्थानीय पार्षद प्रियंका ने भी झाड़ा अपना पल्ला। प्रियंका जी बोल रहे हैं? हाँ। प्रियंका जी, मनीष शर्मा बोल रहा था एनबीएससी न्यूज से। हाँ। प्रियंका जी, अभी कल आपके वार्ड में एक मतलब सांसी समाज को मतलब हटाया गया था, तो आपको मालूम है इस विषय में? हाँ, मुझको बाद में पता चला था। हाँ? और उसके बाद में मुझे मतलब काफी बाद में पता चला, जब तक ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी। हाँ? है ना, ऐसा क्यों हुआ मैम? आपको बाद में पता चला कि आप के क्षेत्र में हो रहा, आपको बाद में पता चला? तो मुझे तो बाद में मुझे पता ही नहीं था बात का कि ऐसा भी हो रहा है और ऐसा हुआ है। ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला, जब मैं कार्रवाई को रोकने गई। हाँ? उसके बाद तो सारी कार्रवाई हो चुकी थी। हाँ? उसके बाद में कुछ कर ही नहीं पाई। अच्छा, अगर आपको पहले मालूम पड़ जाता तो आप रोक लेते क्या? मैं कार्रवाई रोकती और ये अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो कम से कम नहीं होने देती। हाँ, अभी तो वैसे लोग इतना कोरोना फैल रहा है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, और वैसे ही लोगों को अभी खाने को नहीं मिल रहा और अपन लोगों को बेघर कर दें तो वो तो और भी अमानवीय वाली बात है। तो अगर मुझे पता चलता तो मैं जरूर एक्शन लेती और रोकती भी, है ना। और जब कोरोना खत्म होता तो अपन इस विषय में सोचते, पहले पुनर्वास की व्यवस्था करते, उसके बाद में ये एक्शन लिया जाता। अच्छा जी, तो इसमें किसका हाथ है, मेयर का हाथ है या मतलब मुख्यमंत्री का हाथ है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि मेयर मैम का हाथ है। मेयर मैडम का नहीं, मेयर मैडम का तो मुझे कोई नहीं लगता कि इनका हाथ है। अच्छा, तो निगम कौन देखता है, जयपुर का नगर निगम कौन देखता है? सीओ साहब। अच्छा, सीओ साहब का हाथ है, तो यहाँ मेयर का रोल नहीं होता क्या? मेयर को तो बाद में पता चला होगा, मुझे तो जहाँ वार्ड वासियों से पता चला, कुछ फोन आए मेरे पास में
तो मैं भगी भगी गई, फिर मेयर साहब का फोन आया, बोले मैडम इस कार वो बोले प्रियंका जी वहाँ जाओ कार्यवाही रुकवाओ। फिर मैंने मेयर साहब को फोन किया, मैंने कहा यहाँ तो आपको कितनी देर बाद में मेयर साहब का फोन आया आपके पास? मेरे पास शायद एक डेढ़ घंटे के आसपास जब मुझे पता चला ना, तब तो एक डेढ़ घंटा बीत गया था। फिर काम होने के डेढ़ घंटे बाद आपके पास फोन आया? हाँ। अच्छा जी, तो मेयर मैम को नहीं मालूम था आपके अनुसार कि ये काम हो रहा है? नहीं, एक्चुअली मुझे तो क्या वार्ड वासियों से पता चला कि यहाँ काम हो रहा है, फिर मैंने मेयर साहब को फोन किया, फिर मेयर साहब ने मुझे दोबारा फोन किया कि कार्यवाही रोको। मुझे नहीं लगता